हेलो दोस्तों, सौर्य क्लासेज उदयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। जिन छात्रों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छा स्टडी मटर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। हम राजस्थान की मीठे पानी की झील पढ़ चुके थे, अब राजस्थान की खारे पानी की झील पढ़ेंगे। एग्जाम में कई बार एक प्रश्न आता है, अगर राजस्थान में जो भी खारे पानी की झीलें वो 33 सागर का अवशेष हैं। खारे पानी की झीलों में जब बात की जाए तो राजस्थान में खारे पानी की झील अरावली के पश्चिम में पाई जाती हैं, क्योंकि जो हमारा थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में 33 सागर का अवशेष है और 33 सागर के अवशेष आज भी खारे पानी की झीलों के रूप में मिलते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आता है उस प्रश्न में कई बार क्या होता है, एक मीठे पानी की तीन खारे पानी की झील दे दी जाती है, उसमें पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है या खारे पानी की है। तो खारे पानी की झीलों को याद करने के लिए स्टूडेंट ने कई बार बोला सर शॉर्ट ट्रिक्स दो, शॉर्ट ट्रिक्स दो। तो शॉर्ट ट्रिक्स से अपन खारे पानी की झील याद करेंगे राजस्थान की, कैसे करेंगे देखिए बोर्ड पर अच्छे से। लाइव आ जाइए सब स्टूडेंट, शेयर करें। तो देखिए राजस्थान की खारे पानी की जो झीलें उनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है। शॉर्ट ट्रिक्स में है अपने साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे। ये राजस्थान की सभी खारे पानी की झीलों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स है साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे। अब इन झीलों को हम खोल लेंगे जो शॉर्ट ट्रिक्स में है। तो देखिए दोस्तों, सावर आवर है अपनी सावर झील। ये जो सावर झील है वैसे तीन जिलों में फैली हुई है, मुख्यालय जयपुर में, पूरी चर्चा करेंगे। तो सावर आवर सावर झील हो जाएगी, डी बराबर हो जाएगी डीडवाना झील जो अपने नागौर में है। का बराबर है अपनी काबोद झील, जैसलमेर में है। प बराबर है पंचभद्रा, पंचभद्रा बाड़मेर में है। लून करण सर बीकानेर में है। कुचामन नागौर में है। ताबराबर ताल छापर चूरू में है। नाबा झील नागौर में है। फलोदी जोधपुर में है। देगाना नागौर में है और रेवासा सीकर में है। तो ये खारे पानी की झीलों को याद करने के एक शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स है साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं आपके लिए। सा बराबर सामर झील है, डी बराबर डीडवाना झील, का बराबर कावोत, प बराबर पंचपद्रा, लू बराबर लूनकरण सर, कु बराबर कुचामन झील, ता बराबर ताल छापर, ना बराबर नावा, फ बराबर फलोदी, डे बराबर डेगाना और रे बराबर रेवासा। खारे पानी की झीलों में जो प्रश्न आते हैं तीन झीलों से आते हैं, जिनकी व्याख्या मिलती है सामर झील है, डीडवाना है और पंचभद्रा है। इन तीन झीलों की हम व्याख्या करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक एक झील की व्याख्या करेंगे। तो एक साथ एक बार मेरे साथ बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स को, साड़ी का पल्लू कुत्ता ना फाड़े रे। सा बराबर हो गई अपनी सामर झील, डी बराबर डीडवाना झील, का बराबर काबोद झील, प बराबर पंचभद्रा झील, लू बराबर लूनकरण सर झील, कु बराबर कुचामन झील, ता बराबर ताल छापर झील, ना बराबर नावा झील, फे बराबर फलोदी, डे बराबर डेगाना और रे बराबर रेवासा जो सीकर में है। तीन खारे पानी की झीलों की अपन यहां पर व्याख्या करने वाले हैं। सबसे पहली जो खारे पानी की झील है, जिस झील की अपन चर्चा करेंगे, वो झील है दोस्तों अपनी सांवर झील। देखिए सांवर झील वैसे एक प्राकृतिक झील है दोस्तों, लेकिन सांवर झील की जब बात करें तो सांवर झील का निर्माण एक शिलालेख है बिजौलिया, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सांवर झील के जो निर्माता हैं, इस सांवर झील के निर्माता हैं वासुदेव चौहान।
वासुदेव चौहान निर्माता माने जाते हैं सांवर झील के, किसके अनुसार? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार। और ये बिजौलिया वर्तमान में कहां है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ठीक है, वैसे प्राकृतिक झील मानी जाती है लेकिन बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सांवर झील का निर्माता पूछा जाए तो किसको बताएंगे आप? वासुदेव चौहान को। ये सांवर झील जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अब देखिए सांवर झील का मुख्यालय, सांवर झील के मुख्यालय की बात करें तो सांवर झील का मुख्यालय दोस्तों जयपुर में। बात की जाए विस्तार की तो सांवर झील का विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर और एक है अपना नागौर। ये सांवर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं सांवर झील की, पूर्ण रूप से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ये हमारी रही सांवर झील। इस सांवर झील का जो विस्तार है वो राजस्थान के 3 जिलों में है और वो 3 जिले हैं। एक तो है अपना नागौर, एक है अपना अजमेर और एक है दोस्तों जयपुर। और जयपुर में इसका मुख्यालय हेड ऑफिस। पूछा जाए अब सांवर झील का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। ये सांवर झील से सर्वाधिक आने वाले प्रश्नों में मैं बात करता हूं हमारे भारत के कुल नमक का। जो देश का कुल नमक है, देश के कुल नमक का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन किस झील से होता है? सांवर झील से। इस सांवर झील में नमक उत्पादन करने की जो पद्धति है वो पद्धति है दोस्तों क्यार पद्धति। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है क्यार पद्धति का उपयोग किस झील में किया जाता है? सांवर झील में। छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं, इनमें जल भर दिया जाता है, वाष्पीकरण के द्वारा जल उठ जाता है, NaCl बच जाता है। इसी पद्धति को कहते हैं क्यार पद्धति। देखिए पटवार में प्रश्न आया था इस झील के किनारे शाकंभरी माता, इसी को कहते हैं देवयानी, और यहां से प्रश्न पूछा गया था तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी देवयानी या तीर्थों की नानी या शाकंभरी माता का मंदिर किस झील के किनारे है? सांवर झील के किनारे। इस सांवर झील की जब अपन बात करें दोस्तों, इस सांवर झील में दो पक्षी बहुत पाए जाते हैं, एक तो है राजहंस और एक है कुरजा। कुरजा और राजहंस दो पक्षी इस झील में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ये राजहंस हमारे किस पड़ोसी राज्य का राज्य पक्षी है? तो राजहंस हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात का राज्य पक्षी है। तो राजहंस किस राज्य का राज्य पक्षी है? गुजरात का राज्य पक्षी है। अब देखिए सांवर झील से देश का 8.7% नमक निकाला जाता है और इस सांवर झील में वर्ष 1864 में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी के द्वारा सांवर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, ये सांवर झील है अपनी। इस सांवर झील के किनारे अकबर का विवाह हुआ था और यहीं पर लगा था सेलेस्टेंट हाउस। तो सांवर झील के किनारे किस मुगल शासक का विवाह हुआ था? तो इस सांवर झील के किनारे जो शादी हुई थी वो हुई थी ये सांवर झील है। इस सांवर झील में 4 नदियां आकर गिरती हैं। ये कई बार पूछ ली जाती है 4 नदियां। 4 नदियों में एक तो है अपनी रूपनगढ़, एक है दोस्तों खारी, एक है खंडेला और एक है मेंथा या मेंढा, खेलो एक ही बात है। ये चारों नदियां किस झील में आकर गिरती हैं?
सांवर झील में आकर गिरती हैं। सांवर झील में नमक उत्पादन के दो कारखाने हैं, एक तो है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कारखाना और दूसरा है दोस्तों सांवर साल्ट लिमिटेड कारखाना। ये दो कारखाने यहाँ पर नमक उत्पादन के लिए बनाए गए हैं। ये अपनी सांवर झील थी जिसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, अगली झील की बात करेंगे। तीन झील पढ़ेंगे अपन, तो दूसरी खारे पानी की झील पढ़ेंगे पंचपद्रा, और ये पंचपद्रा झील है दोस्तों बाड़मेर में। ध्यान रखना, पंचपद्रा झील का निर्माण एक भील था जिसका नाम था पंचा भील, और पंचा भील ने इस झील का निर्माण करवाया और झील का नाम दे दिया पंचपद्रा। इस पंचपद्रा या पंचभद्रा झील के नमक में 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है और इस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ होता है। तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील का है? पंचपद्रा झील का है दोस्तों, जिस झील का निर्माण पंचा भील ने करवाया था। इस पंचपद्रा झील में क्या है, अको खारवाल जाति के लोग, पंचपद्रा झील है, इस पंचपद्रा झील में एक राजस्थान में जाति पाई जाती है खारवाल। कई बार पूछ लिया जाता है खारवाल जो जाति के लोग हैं, ये खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ी से, ये कई बार एग्जाम में आता है मोरली की झाड़ी से क्या बनाते हैं? नमक। और मोरली की झाड़ी से जो नमक बनाया जाता है, इस पद्धति को क्या नाम दिया जाता है? रेस्ता। तीनों प्रश्न है, खारवाल जाति के लोग किस झील से नमक उत्पादन करते हैं? पंचपद्रा झील से, किसकी झाड़ी से? मोरली की झाड़ी। और ये पद्धति किस नाम से जानी जाती है? रेस्ता पद्धति। तो ये अपने सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है, लेकिन इस झील में थोड़ा नमक उत्पादन होता है जो स्थानीय लोगों की पूर्ति होती है। तीसरी जो खारे पानी की झील है अपनी, वो है डीडवाना, ये है नागौर में। इससे भी छोटे बस लास्ट झील है खारे पानी की। तीसरी खारे पानी की झील की बात करें, वो है अपनी डीडवाना। और ये डीडवाना जो अपनी झील है, ये डीडवाना झील है दोस्तों नागौर। इस नागौर में डीडवाना झील का जो नमक है, ये खाने योग्य नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में है, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस डीडवाना झील के नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो खाते हैं सोडियम क्लोराइड, लेकिन इस झील के नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट। तो इस झील के नमक का उपयोग चमड़ा साफ करने में, कागज बनाने में, रंग रोगन करने में किया जाता है। तो ये पंचपद्रा झील, सॉरी डीडवाना झील है हमारे राजस्थान की, जिस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। ये थी राजस्थान की खारे पानी की झील तीन, जिनकी व्याख्या करनी होती है, बाकी और झीलों की व्याख्या नहीं होती। अब झीलों से हम मोस्ट प्रश्न लेते हैं दोनों से मिला करके, तो आप मोस्ट प्रश्न में बोल रहा हूं समझते चलिए, नोट्स पेन कॉपी ले लीजिए, उनमें लिखते चलिए दोस्तों। दोनों जो झील थी मीठे पानी और खारे पानी की, उनके मोस्ट महत्वपूर्ण बिंदु मैं बोलूंगा आपके लिए, उनको आप लिखते चलिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आपके मोबाइल में रिकॉर्ड करने के बाद आप कहीं पर भी देख रहे हैं तो उसमें आप
रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, राजस्थान, भारत और विश्व तीनों से प्रश्न निकलते आएंगे अपने। तो बात है विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है, कमेंट में बताइए। प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत और राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विश्व की कर रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताइए। देखिए दोस्तों, सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है, और ये सुपीरियर जो लेक है ये है आपके किस महाद्वीप में है, संयुक्त उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में। तो ये अमेरिका में है जिसका विस्तार यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। हाँ, तो ये थी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। अब भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है अपनी बूलर झील, और ये बूलर जो लेक है, ये बूलर झील का जो विस्तार है भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर हो गई। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है दोस्तों अपनी जैसमंद। अब यहाँ से ये जैसमंद जो झील है, इसमें से रीट वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, जो अपने रीट का एग्जाम था 2018 वाला, उसमें पूछ लिया गया ये प्रश्न। अब राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जैसमंद झील है। अब बात करते हैं खारे पानी की झीलों की विश्व के संदर्भ में। तो देखिए, विश्व के संदर्भ में जब खारे पानी की झीलों की अपन बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी गलती होने के चांस दिखते हैं अपन को, क्योंकि देखिए अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो दोस्तों आपको इसमें आपका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो है कैस्पियन सागर। और ये कैस्पियन सागर लेक है अपने यूरोप। अब ध्यान रखना, इस कैस्पियन सागर से कई बार अपने महाद्वीपों में प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ये कैस्पियन सागर जो झील है ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों की सीमा बनाती है। यहाँ से पूछा गया प्रश्न है, अक कैस्पियन सागर झील एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में है, तो ये वैसे एशिया महाद्वीप के पश्चिम में आती है। तो ये कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है दोस्तों अपनी सांवर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो सांवर झील, जिसका हेड ऑफिस है अपने जयपुर में। ये तो हो जाएगी अपने राजस्थान की। अब भारत की अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, और ये चिल्का झील है दोस्तों ओडिशा में। ये भी प्रश्न अपने एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील, और ये चिल्का है अपने ओडिशा। अब विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, मीठे पानी की, भारत की, राजस्थान की, ये सारी झीलें हो गई। लेकिन अब एक ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है विश्व की, तो ध्यान रखना ये है अपनी वान झील, और ये वान झील है अपनी तुर्की में। कौन से देश में दोस्तों, तुर्की। अब ये तुर्की के बारे में स्टूडेंट का प्रश्न आता है, सर ये तुर्की कौन से महाद्वीप में है। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो तुर्की है अपना, और दूसरा देश है रूस। इन दोनों देशों का विस्तार दो दो महाद्वीपों में है, यूरोप में भी फैले हुए हैं और ये अपने एशिया में भी फैले हुए हैं। तो ये खारे पानी की झीलों से यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए। लेकिन
एक प्रश्न रीट में पूछा गया था, महाद्वीपों में पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर भी उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। अब विश्व में झीलों का देश, विश्व में झीलों का देश, ये जो प्रश्न है ये अपने रीट में आ चुका है और वो है अपना फिनलैंड, ध्यान रखना ये अपने रीट में आ चुका है 2018 वाले एग्जाम में। अब विश्व में झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। और इसी के साथ अपने राजस्थान की जो खारे पानी और मीठे पानी की दोनों झीलें समाप्त होती हैं। अब झीलों से आपको कोई भी समस्या हो कमेंट में डालना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। लेकिन ध्यान रखना, आपको हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो कल के लिए।